कई सदियां बीत गई और कई सदियां बीत जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम अमर है। इनका प्रेम इतना गहरा है कि हमेशा श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां होने के बावजूद सिर्फ राधा रानी का नाम ही श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है। इतने प्रेम के बावजूद भी कभी राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया। क्या आप इसके पीछे के कारण के बारे में जानते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से राधा और कृष्ण के अटूट प्रेम और बंधन के बावजूद भी उनका विवाह नहीं हो पाया। दरअसल इसके पीछे का कारण राधा को मिला एक श्राप था। जी हाँ, ब्रह्मवेवर्त पुराण में उल्लेखित कथा के अनुसार राधा जी को मिले एक श्राप के कारण ही उन्हें कभी भी उनका प्रेम नहीं मिल पाया था। ब्रह्मवेवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की प्रिय राधा उनके साथ गोलोक में वास करती थी। एक बार राधा की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। अपने प्राणों से भी प्रिय श्री कृष्ण को अन्य किसी स्त्री के साथ विहार करते हुए देख राधा रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने श्री कृष्ण को अपवचन कह दिए। राधा के क्रोध से विचलित होकर विरजा ने नदी का रूप धारण कर लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उस समय वहां उपस्थित श्री कृष्ण के मित्र और सेवक श्रीदामा को राधा रानी का श्री कृष्ण को अपवचन कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा और उन्होंने क्रोध में आकर राधा रानी का बहुत ही अपमान किया। श्रीदामा अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए राधा के मुंह से कटु वचन नहीं सुन पाए और क्रोध में उनसे भी ये पाप हो गया। श्रीदामा के ऐसे व्यवहार से राधा और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने श्रीदामा को श्राप दिया कि वे अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म लेंगे। तब इसके जवाब में श्रीदामा ने राधा को पृथ्वीलोक पर मानव के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। साथ ही श्रीदामा ने राधा को ये श्राप भी दिया कि मानव रूप में वे सदा अपने प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण को पाने के लिए तरसेगी। अगले जन्म में इसी श्राप के कारण श्रीदामा शंखचूर नामक असुर बने। वहीं श्राप के कारण राधा रानी को वृषभानु और कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। पृथ्वीलोक पर जन्म लेने के कुछ समय बाद ही राधा रानी के जीवन पर पूर्व जन्म में मिले श्राप का असर पड़ना शुरू हो गया था। रासलीलाएं समाप्त कर श्री कृष्ण को कंस से युद्ध करने के लिए वृंदावन जाना पड़ा और यहीं से राधा और श्री कृष्ण के वियोग की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा का विवाह एक वैश्य रायण से हो गया और वे सदा के लिए श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हो गई। राधा के बारे में कहा जाता है कि वे अपने पति रायण के पास अपनी छवि स्थापित कर वैकुंठ वापस लौट गई थी। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार जब राधा कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे उस वक्त कृष्ण की उम्र 8 और राधा की उम्र 12 वर्ष थी। जब ये बात राधा के घर वालों को पता लगी तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर दिया। ऐसा किए जाने के कई कारण थे। एक कारण ये था कि राधा की मंगनी हो गई थी। जब कृष्ण को ये बात पता चली तो वे उसे कैद से छुड़ाकर माँ यशोदा के पास ले गए। ये देखकर यशोदा माँ दंग रह गई। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं तेरा विवाह कहीं और करा दूंगी, लेकिन कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब ऋषि गर्ग ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः वे किसी भी मोह बंधन में नहीं बन सकते, ये व्यर्थ का हट छोड़ दे। ये सुनकर कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वे वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से ये वादा करके गए थे कि वे वापस जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। तो इस तरह राधा और श्री कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया, लेकिन इनका प्रेम आज भी अजर अमर है और हमेशा रहेगा।